भगवती राजराजेश्वरी चंडिका देवी का गर्भगृह से बाहर आते ही गोल गोविंद गुण सही राजराजेश्वरी माँ चंडिका देवी द्वारा यात्रा 2024-25 का शुभारंभ हुआ। शनिवार प्रातः से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त मंदिर परिसर में पहुंचकर गर्भगृह में भगवती के आशीर्वाद और दर्शन करने की होड़ मची रही। गर्भगृह में देवी दर्शन करने के पश्चात समय सीमा तय थी, प्रातः 8 बजे से पंडित गणेश खंडूड़ी, सत्य प्रसाद खंडूड़ी, महेश महेंद्र प्रसाद गैरोला, संजय गैरोला, कांति प्रसाद गैरोला, प्रदीप गैरोला, कृष्ण गैरोला ने वैदिक मंत्रों से देवी अभिषेक पूजा अर्चना पंचांग पूजा राजोपचार पूजन का आवरण पूजा गर्भगृह में करते हुए देवी देवताओं का आह्वान किया। कुछ देर बाद गाजे बाजे भंकोर और शंख घंटों के साथ बसक्वाली गांव का लाटू देवता, सिमली, सोनू आदि गांव की महिलाएं, पुरुष कीर्तन भजन एवं माँ के जयकारों के साथ चंडिका मंदिर सिमली पहुंचे और भाई बहन के मिलन के मार्मिक दृश्य को देखकर सभी भक्त उत्साहित होकर लाटू देवता का अभिवादन पर भगवती चंडिका देवी ने यात्रा को स्वीकृति देते हुए गर्भगृह से निकल पड़ी। चंडिका देवी ने गर्भगृह से बाहर आते ही माता के जयकारों से संपूर्ण मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया और बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुषों में देवता अवतरित होने लगे। चंडिका देवी का गर्भगृह से बाहर बनातोली देवी मंडप में स्थापित किया गया। विधायक अनिल नोटियाल ने मां चंडिका की पूजा अर्चना करते हुए क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर में बने पंडाल में महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। राजेंद्र सिंह लडोला ने विशाल भंडारे का आयोजन किया। कुंवर सिंह सेनवाल सिमली ने 1 कुंतल गेंदे के फूलों से मंदिर को सजाया और भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन को नियंत्रण करने में मेहनत करनी पड़ी। वहीं वाहनों की आवाजाही करने के लिए जगह जगह पुलिस व्यवस्था बनाने में मदद की गई। इस मौके पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल, सिमली सैनो सुंदर गांव जाप के माल गुजार वीरेंद्र सिंह लडोला, मुकेश नेगी, प्रताप सिंह, जगदीश सिंह, महिपाल सिंह सहित कई पदाधिकारी और लोग उपस्थित थे। चंडिका देवी मंदिर परिसर में यहाँ 14 साल बाद चंडिका देवी भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने गर्भगृह से बाहर आ गई है। बसवाली से लाटू देवता का निशान आकर के अपनी बहन चंडिका को बाहर ले आते हैं और उसके बाद भक्तों को दर्शन शुरू हो जाते हैं। ये कार्यक्रम है 14 साल बाद आयोजित हो रहा है। यहाँ इस कार्यक्रम के तहत भक्तों को माँ चंडिका जहाँ दर्शन देती है, वहीं विश्व कल्याण के लिए 10 माह तक विभिन्न जिलों का भ्रमण करती है। आयोजकों के अनुसार ये चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी 5 जिलों का भ्रमण करेगी। काशी विश्वनाथ का भ्रमण करने के बाद समुद्र मंथन होने के बाद लगभग जून के आसपास ये देवी फिर अंदर मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होगी। इसके लिए पूरी जो यहाँ कार्यक्रम होने हैं वो तय किए गए हैं। आज शनिवार को 12:30 बजे करीब चंडिका देवी मंदिर के गर्भगृह से बाहर आई, जिसके बाद 3 दिन तक मंदिर परिसर में देवी की पूजा का कार्यक्रम है। इसके अलावा 11 तारीख को अपने प्रथम पड़ाव रतुड़ा के लिए रवाना होगी। हालांकि इस यात्रा को लेकर के कई किंवदंतियां हैं। पुजारियों के अनुसार माना जाता है कि चंडिका देवी का यहां पर मंदिर बाद में बना, इससे पहले यहां पे पौराणिक एक मठ था, गोविंद मठ जिसका नाम है, जिसको भगवान विष्णु का मंदिर माना जाता है। कहा जाता है कि चंडिका देवी का जो फर्श फरसा यहाँ मंदिर में है वो कहीं से पिंडर में बह के आया।
कुछ शताब्दी पहले इसको ग्रामीणों ने लाए तो चंडिका देवी के ने अवतरित होकर अपने को स्थान मांगा और उसके बाद यहाँ के मंदिर की स्थापना की गई। ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं, ऐसी किंवदंतियों के अनुसार ये बताया जाता है। इसके अलावा अनेक पौराणिक कथाएं भी चंडिका देवी के मंदिर से जुड़ी हुई हैं। माना यह जाता है कि विश्व कल्याण के लिए जब चंडिका देवी हर 12 साल में बाहर आती हैं, इस बार ये 14 साल में आ रही हैं। इससे पहले मंदिर समिति के अनुसार 1893, 1922, 1953, 54 के आसपास, 1972 के आसपास और 1994, 95, 2009, 10 और इस बार 14 साल बाद ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है।